मिनट रुकना बहू, इतने भद्दे कपड़े पहन के और इतना डार्क मेकअप करके कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हूँ का मतलब मैं समझी नहीं मम्मी जी, आपको पता है रोज मैं इस टाइम ऑफिस जाती हूँ और राजीव मुझे ऑफिस छोड़ते हैं। और रही बात कपड़ों की, मम्मी क्या बुराई है मेरे कपड़ों में? और वैसे मम्मी कॉर्पोरेट ऑफिस में इस तरीके के कपड़े ही चलते हैं। लॉली चलो यार, लेट हो रहे हैं, तुम्हें ऑफिस छोड़ के फिर मुझे भी जाना है। राजीव अब बस बहुत हो गया है, आज मैं मम्मी जी की ना सारी शिकायतें दूर करना चाहती हूँ। मम्मी जी की ना रोज रोज की किटकिट से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्या हो गया? अरे बेटा तू इसको सिर पे ज्यादा चढ़ा रखा है, कौन कहेगा ये ऑफिस जा रही है इतने भद्दे भद्दे कपड़े पहन के और मेकअप करके। मम्मी जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो, डॉली ऑफिस ही जा रही है और डॉली को मैं ही ऑफिस छोड़ के जाता हूँ और शाम को अपने ऑफिस से आते हुए डॉली को लेता हुआ आता हूँ। हाँ बेटा तू तो इसको ऑफिस में छोड़ देता होगा, क्या पता बीच में चली जाती होगी गुलछुले उड़ाने के लिए, इसके पहनावे से तो लगता नहीं है कि ऑफिस जा रही है ये। मम्मी जी आप कहना क्या चाहती हो, मैं ऑफिस के बीच में से निकल के गुलछर्रे उड़ाने जाती हूँ? मम्मी जी बिना देखे सोचे समझे ना किसी पे उंगली उठानी नहीं चाहिए, और मैं वैसे भी आपकी बहू हूँ, आपको तो सोच समझ के मुझे बोलना चाहिए। हाँ मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, ऐसे सफेद बाल नहीं किए मैंने। बेटा इसकी लगाम खींच के रख, इसकी चाल ढंग मुझे सही नहीं लग रहे हैं। मम्मी जी मैं ऑफिस जाना है और आप क्या सुबह सुबह ऐसी बातें लेके बैठ गई हो, अब क्या ऑफिस आके हम काम करेंगे? डॉली छोड़ो तुम, आओ चले। राजीव रुक जाओ, आज देर हो रही है तो देर होने दो, आज मैं मम्मी जी की ना सारी बातों का जवाब देना चाहूंगी। मम्मी जी एक बात बता दो मुझे कि मैंने क्या गुलछर्रे उड़ा दिया और मैंने क्या अपनी मनमानी कर दी, जरा आप मुझे बताओगी? मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर, तू मुझे समझाएगी मुझे क्या करना है? तुझे क्या जरूरत है नौकरी करने के लिए? बेटे की तनख्वाह आ रही है, मेरी पेंशन आ रही है, तुझे जरूरत क्या है जाने के लिए? बस तुझे बहाना चाहिए घूमने के लिए कि मैं जाऊं यहां से निकलूं काम चोटी कहीं की। क्या काम मम्मी जी आपने मुझे काम चोटी और मुझे घर से बाहर निकलने का बहाना चाहिए? मम्मी जी एक महीने के बाद जब सैलरी हाथ में आती है ना तो खून पसीना एक करके मेहनत के पैसे मुझे मिलते हैं, और आपको क्या पता मम्मी जी सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ, आपका ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, राजीव को ऑफिस भेजती हूँ। मम्मी जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझको? बनकर तू अपनी नौटंकी, मैंने भी किए 30 साल टीचर की नौकरी, तेरी तरह ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाते थे, साड़ियों में जाती थी मैं। मम्मी जी आपकी नौकरी में और डॉली की नौकरी में बहुत फर्क है, आप सरकारी स्कूल में टीचर थे, अब वहाँ तो ये साड़ियाँ चलती है ना, और डॉली करती प्राइवेट सेक्टर में काम, प्राइवेट सेक्टर में मम्मी जी इसी तरीके के कपड़े चलते हैं। वाह अरे बेटे तू भी इसी की बोली बोलने लग गया है, हमारे खानदान की बहू ऐसे कपड़ा थोड़ी ना पहनती है जैसे ये पहनती है, छिछोरी कहीं की। मम्मी जी अब बस, अब बहुत हो चुका है, अब आप ना अपनी मर्यादा को लांघते जा रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ तो इसका फायदा मत उठाओ। कभी आप मुझे कहते कि गुलछर्रे उड़ाती है, कभी आप कहते कि चिचोरी है। मम्मी जी एक बात बताऊं, आपने ही मुझे राजीव के लिए शादी के लिए चुना था और आपको ही वर्किंग बहू चाहिए थी, अब आपको मेरे से इतनी प्रॉब्लम है, आप मुझे एक बार बता दो ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझसे। देखो बेटा कैसे जुबान चला रही है, हमें इसकी नौकरी की जरूरत नहीं है, इसकी नौकरी छुड़वा और घर बैठा। क्या मम्मी जी मुझे घर बिठाओ और मेरी नौकरी छुड़वाओ, और मेरी नौकरी की आपको जरूरत नहीं है? मम्मी जी शायद आप भूल गई हो, कोविड में 6 महीने राजीव की नौकरी नहीं थी और मेरी ही नौकरी से मेरी ही सैलरी से घर चलाता, और आपको पता है हमारे घर के कितने खर्चे हैं, और मम्मी जी आपकी पेंशन आपको खुद पता है आपकी पेंशन है ही कितनी। और मम्मी जी जितना सहयोग आपका और राजीव का इस घर को चलाने में है ना, उतना सहयोग मेरा भी इस घर को चलाने में है। हाँ मम्मी जी डॉली बिल्कुल ठीक कह रही है, डॉली कोई शौक मौज के लिए नौकरी नहीं कर रही है, इस घर को चलाने में डॉली का पूरा सहयोग है। मम्मी जी आपको बहुत अच्छे से पता है इस घर की EMI और गाड़ी की इंस्टॉलमेंट डॉली अपनी सैलरी में से देती है। और मम्मी जी आज के टाइम में एक औरत का प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना कोई आसान बात नहीं है। मम्मी जी मैं एक अच्छी बहू के फर्ज निभा तो रही हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, पूरे घर का काम खत्म करती हूँ, आपका भी इतने अच्छे से ध्यान रखती हूँ, राजीव का भी इतने अच्छे से ध्यान रखती हूँ, उसके बावजूद भी आप मेरे से मुंह बना के रखते हो, जैसे ही मैं ऑफिस निकलती हूँ तो आपका मुंह बन जाता है। मम्मी जी सोच के देखना, मैं पूरे दिन ऑफिस में इतनी टेंशन में रहती हूँ कि मेरे से ऑफिस का कोई काम भी नहीं हो पाता, और जैसे ही घर आती हूँ फिर वही रवैया आपका। मम्मी जी अगर आपको मेरी नौकरी से और मेरे पहनावे से अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है मम्मी जी, मैं ये नौकरी छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस घर की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बेटा तुझे समझने में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो बेटा मुझे माफ कर दे।